ये विल्सन्स डिजीज का पेशेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी मसल्स में कितनी ज़्यादा स्पास्टिसिटी है, हाइपरटोनिक है मसल, ये सीजर गेट हो रहे हैं, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर कैंचीनुमा बना रहा है, प्लस ये फुट ड्रॉप हो रहे हैं, मसल्स की पूरी पूरी वेस्टिंग हो रखी है, देख रहे हो आप काफ मसल्स की पूरी वेस्टिंग हो रही है, फुट ड्रॉप बिल्कुल ही CTEV माइनस की तरफ हो रखे हैं, पैर पूरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में सबसे पहले हमें पॉस्चर मैनेज करना है कि हाँ ये बच्चा किस तरह से लेटता है। तो पहले इनको ट्रेन करना है कि अपने पैरों को जितना हो सके एक दूसरे को घुटने को एक दूसरे से दूर रखना है। इसके लिए आप कोई पिलो यूज कर सकते हो, कोई कुशन यूज कर सकते हो, इससे कि दोनों घुटना आपका डिस्टेंस में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वन इज कि देखो आपके पैर में किस तरह से डिफॉर्मिटी डेवलप हो गया है, इसको सीधा करके यू अपनी तरफ से जल्दी हमें टैप करते हुए एक्सरसाइज को कम्प्लीट कराते हैं। इस तरीके से अगर आप बताते हुए टैप की एक्सरसाइज कराते तो ये इजीली कर पाएगा, टाइटनेस जो है मसल की वो कम हो ठीक है। उसके बाद हमें इस तरह से गाड़ी वाड़ी से इंजनों को हाथों से चलाना ठीक है। एक एक जॉइंट को हमें 10-20 बार चलाना, इस तरीके से हमें चलाना है। ऐसे बच्चों के एंकल जॉइंट को करेक्ट करने के लिए हम लोग ऑर्थोसिस भी यूज कर सकते हैं। झूठे आते हैं बच्चों के लिए, झूठे बनवाए जाते हैं डे और नाइट इसके, वो लगा के भी पैर झूठे, वो पैर सही रहते हैं ठीक है।